हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी डेंजरस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज द कैंसर। कैंसर के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता या फिर एक्सचेंज नहीं होता, उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर, ये जो है वो फैलते नहीं है, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल कैटेगरी में डाला गया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैटेगरी में। और जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो जो है स्पीडली फैलते हैं, है ना। जैसे कोरोना वायरस, COVID-19, ये है कम्युनिकेबल डिजीज। जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, ये सब कम्युनिकेबल है। हम अभी पढ़ रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि मैंने बताया, जो कि फैलता नहीं है, यह हमें विभिन्न विभिन्न तरीकों से हमारे बॉडी में आ सकता है, या फिर हमारे पेरेंट्स है ड्यू टू द हेरिडिटी अनुवांशिकी के थ्रू वह आ सकता है। इसके प्रॉब्लम क्या क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के? कई डिजीज ऐसे होते हैं इसका हमें कारण पता नहीं होता। किस कारण मतलब उसका एजेंट, कौन से एजेंट के थ्रू हुआ है, कि हम न्यूट्रिशन के कारण हुआ है या फिर न्यूट्रिशन की कमी के कारण हुआ है, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ है, या फिर अनवांटेड चीज खाने से हुआ है, फिर पॉइजनस एलिमेंट्स, फिर पॉइजनस फूड खाने से हुआ है, इस कारण हमें उसके कारण पता नहीं चलता। यह प्रॉब्लम देखा गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। तो हम देखते हैं कैंसर। कैंसर आज के डेट में वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो जो सेकंड डेथ का जो श्रृंखला है, मतलब सबसे ज्यादा डेथ होता है, तो जो सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा डेथ होता है वह कैंसर के कारण होता है। जिसमें वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो 90% इन वर्ल्ड वाइज डेथ होता है 90%, इसके कारण कैंसर का। अब हम देखते हैं कैंसर के प्रकार। कैंसर कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले देखते हैं ओरल कैंसर। ओरल कैंसर मतलब जो ओरली होता है उसको हम ओरल कैंसर कहते हैं। जैसे मेनली ये कवर करता है माउथ, है ना, ओरल कैंसर। लंग्स कैंसर, लंग्स में होने वाले कैंसर को लंग्स कैंसर कहा जा सकता है, या फिर एक्सटेंडर या फिर इंटरनेट मारण कारण हो सकता है, या फिर फ्रैक्चर कारण हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और कैंसर ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स में होने वाले कैंसर को भी सर्विक्स कैंसर कहा जा सकता है। मतलब हमारे बॉडी में जितने टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, तो जितने ऑर्गन्स हैं उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है। अब हम देखते हैं कारण। कैंसर होने वाले कारक क्या है जो कि कैंसर को फॉर्मेशन के लिए, फिर बॉडी में कैंसर होने के लिए इसके कारण है। सबसे पहला है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट मतलब केमिकल के कारण होने वाले कैंसर को ही केमिकल एजेंट कहा जा सकता है। इसमें जो केमिकल जो हमारे किसी भी मनुष्य के बॉडी में कैंसर का कारण बनता है, जो एनुलिन टाइप है उसको यूज करेंगे, इसके कारण कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। बेंजीडाइजिन और निकेल, ये सब केमिकल के कारण किसी भी तरीके से अगर बॉडी में इनलेट हो जाता है या बॉडी में टच में आ जाता है
तो यह एंजाइम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग डाइज यूज करते हैं बाल बाल कलर करने के लिए, तो वो डाइज भी एक हद तक कैंसर का कारण माना जा सकता है। दूसरा लेते हैं फिजिकल एज, मतलब फिजिकली हमारे बॉडी से जो टच होता है, मतलब जो फिजिकली हमारे बॉडी से जा डायरेक्ट टच होता है जिसके कारण कैंसर प्रोड्यूस होता है, उसको हम फिजिकली बोलते हैं। तो फिजिकली कौन कौन हमारा बॉडी में टच होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है स्पेशल जो सी किरणें होती है, वो अगर हमारे स्किन पे अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो वह कैंसर का कारण बन सकती है या स्किन कैंसर को प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा कहते हैं एक्सरे, एक्सरे का उपयोग मेनली डायग्नोसिस करने के लिए किया जा सकता है, डिसीज के डायग्नोसिस करने के लिए, लेकिन अगर हम अधिक से अधिक अगर एक्सरे का उपयोग करें तो वह किसी भी मनुष्य के बॉडी में कैंसर का कारण हो सकता है, एक्सरे जो है कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी प्रकार जो गामा रेज है, गामा रेज भी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर, अल्ट्रावायलेट रे के बारे में बता ही चुका हूं मैं। उसके बाद देखते हैं न्यूट्रिशनल एजेंट्स, न्यूट्रिशनल एजेंट्स क्या है, न्यूट्रिशनल एजेंट्स मैंने न्यूट्रिशन एजेंट्स वह होता है जो हमारे दिनचर्या या फिर हमारे शरीर को चलाने के लिए जरूरी होती है, उसे हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी और न्यूट्रिशन के अधिक होने के कारण भी हमारे बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो जैसे लो प्रोटीन मतलब प्रोटीन की कमी के कारण भी हमारे किसी भी मनुष्य के बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है, विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है, मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण भी कैंसर का कारण हो सकता है। ये किसमें आएंगे, न्यूट्रिशनल एजेंट में आएंगे। चौथा देखते हैं मैकेनिकल एजेंट, मैकेनिकल के थ्रू होने वाले जो कैंसर है उसको हम मैकेनिकल एजेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। इसमें है फ्रैक्शन, दूसरा है ट्रॉमा। फ्रैक्शन के कारण होने वाले या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो चोट लगने से क्या होता है कि ब्लड निकलता है और जो टिश्यूज हैं वो अनवांटेड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्यू टू द रिड्यूस द ब्लड फ्लोइंग, मतलब ब्लड के क्लॉटिंग को आगे चलाने के लिए मतलब प्रोसीड करने के लिए जो है वह कैंसर का ट्रॉमा होता है तो सेल ग्रोथ करता है और ब्लड बॉडी का फॉर्मेशन और घाव को भरने के लिए भी जो सेल से वो डिवाइड होते हैं, डिसॉल्व होता है जिससे हमारा जो घाव है वह भर जाता है, लेकिन घाव का सेल होता है फ्रैक्शन एंड ट्रॉमा का कारण हो सकता है। तो मेडिकल एजेंट के अंतर्गत फ्रैक्शन एंड ट्रॉमा को रखा गया। पांचों कारण देते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जैसे कि हम अभी जानते हैं वायरस, वायरस के कारण अभी हम कोविड 19 जैसे बहुत बड़ी भयानक महामारी से अभी पूरा विश्व ग्रसित है। आज के डेट में अगर देखा गया है तो 3.5 लाख मनुष्यों का जो डेथ हो चुका है आज के डेट में वर्ल्ड वाइड, और हमारे भारत में 4,000 से भी ऊपर मरीजों का डेथ हो चुका है। तो वायरस, बायोलॉजिकल में वायरस होते हैं, वायरस से होने वाले डेथ अभी जो प्रचलित वायरस है वो कोविड 19 है, कोविड 19 डिसीज है जो कि कोरोना वायरस के कारण फैला हुआ है, कोरोना वायरस डिसीज, वो पर कोरोना वायरस G40C19 जो कि 2019 में आया था। यह कहाँ से आया था, चाइना से आया था, युहान नामक जगह से आया था। बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है ना, फंगल इन्फेक्शन है और फंगल से होने वाले डिसीज है, प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज है और भी अदर
जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि हमारे अगर किसी भी मनुष्य को कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए सबसे होते हैं। उसके बाद चौथा देखते हैं कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ द होस्ट, मतलब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ऑफ द होस्ट मतलब जो मनुष्य जो है वो होस्ट है, इसमें एजेंट आते हैं जिससे कारण कोई भी डिसीज प्रोड्यूस हो सकता है। तो होस्ट में जो फैक्टर है, जो होस्ट में फैक्टर्स हैं, वह किस तरीके से कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला है एज। एज बहुत बड़ा कारण है कैंसर प्रोड्यूस होने में किसी भी मनुष्य में। यह देखा गया है कि 40 से 50 ईयर्स के मनुष्य को अधिकतर कैंसर होता है, लेकिन वहीं पे 0 से 40 से कम उम्र के बच्चों को कैंसर कम होता है एज कम्पेयर टू द 40 से 50 साल के उम्र के मनुष्य को। तो एज फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द केस ऑफ कैंसर। सेक्स मतलब मेल और फीमेल। मेल और फीमेल में हार्मोनल चेंजेस के कारण या फिर अलग कुछ डिफरेंस ऑर्गन्स के कारण कैंसर भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर ओनली फीमेल होता है, लेकिन मेल में कदापि नहीं पाया जाता ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द केस ऑफ द कैंसर। जस्ट लाइक कोई भी मनुष्य अगर ऑक्यूपेशन कोई डस्ट एरिया में काम करता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, तो वहां पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में डस्ट बहुत ज्यादा होता है। डस्ट इनलेट करेगा बॉडी में, जिसके कारण लंग्स में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के कारण लंग्स कैंसर के चांसेस रहेंगे। अगर कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो केमिकल से होने वाले, जैसे कि मैंने केमिकल्स के बारे में पहले बता चुका था, केमिकल से होने वाले डिजीज, तो केमिकल फैक्ट्री में अगर उसका ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है तो कैंसर केमिकल के कारण कैंसर हो सकता है। अगर वह फील्ड वर्क करता है, फील्ड वर्क में अल्ट्रावायलेट के लिए स्पेशली सी रेस और जो कि स्किन कैंसर का कारण बन सकता है। अगर कोई ट्रॉमा सेंटर में काम करता है तो ट्रॉमा सेंटर में गामा एक्सरे ये सब उपयोग किया जा सकता है, जिसके कारण कैंसर का कारण हो सकता है। तो ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। उसके बाद हम देखते हैं चौथा मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस मतलब शादी के बाद क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना। तो शादी भी एक मेंटल स्टेटस के असर पड़ता है कैंसर। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल सोशलाइजेशन। इकोनॉमिक मतलब आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से आप खाना पीना खाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। उसके हिसाब से अगर लोग प्रोटीन फैट लेते हैं या फिर विटामिन कम लेते हैं, तो इसके से होने वाले लिमिट कर सकते हैं कैंसर। उसके बाद हैबिट्स। हैबिट्स में आदतन में जैसे रखा गया है कि आप इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत अच्छा है, आपका ऑक्यूपेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपका हैबिट जो चेंजेस है, जैसे अल्कोहलिज्म, अल्कोहल लेना है ना, टोबैको लेना, स्मोकिंग, तो ये सब जो है कारण है लीड्स टू कैंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देख लिए कैंसर क्या क्या कारक है, कितने टाइप्स होते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। कैसे हम प्रिवेंशन कंट्रोल कर सकते हैं कैंसर। अवॉइड द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जस्ट लाइक टोबैको एंड अल्कोहल। तो जो भी पर्सन अपने दिनचर्या में अल्कोहल या टोबैको यूज करता है, उसको अधिक से अधिक अवॉइड करना है। पर्सन फॉर पर्सनल हाइजेनिक कंडीशन लेना है, जैसे
जैसा कि आज के डेट में कोरोना वायरस वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कर रहा है, तो पहला हमारा उद्देश्य है कि हम हाइजीन रहें, साफ सुथरे जगह पे रहना है, हाथ को साफ करना है और जगह को भी साफ करना है, तो पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन में भी रहना है। तीसरा है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है ना। चौथा है हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको भी कंटिन्यूसली जारी रखना है, ताकि जो अनएजुकेटेड पर्सन है या एजुकेटेड पर्सन है वह अच्छे तरीके से उसके बारे में समझ लें, उसे अवेयर हो जाए। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, अखबार है ना, पॉम्पलेट है, इस तरीके से हम हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकते हैं। पांचवा देखते हैं कैंसर डायग्नोसिस सेंटर। अगर कैंसर डायग्नोसिस सेंटर में प्रॉपर एक पर्टिकुलरली एरिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर विकासखंड वाइज हम वहां पे स्टेबलाइज कर सकते हैं, फिर स्टेट वाइज स्टेबलाइज कर सकते हैं, जिससे कि अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर है तो जाकर वहां डायग्नोसिस करा सके और उसके हिसाब से रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है उससे पर्टिकुलरली इलाज करवा सके। और यह बात का भी अधिक से अधिक ध्यान रखना है कि जो ओल्ड एज पेशेंट है उनका अधिक से अधिक ख्याल रखना है और उसको कैंसर के बारे में बताना है और उनको रेगुलर तथा पीरियडिकली उनको चेकअप कराने का उनको गाइड कर सकते हैं। और अगर किसी भी पेशेंट को अगर कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो यह जरूरी है कि वह एक रेगुलेटेड या फिर स्पेसिफाइड कैंसर हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट जाके करवाए, है ना। अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो वह हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नर्स से इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट।